हेलो मेरी पलटन, तो कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई फ्रेश वीडियो में। एंड अभी आप लोग टाइम देख सकते हो 9:30 हो चुका है। अभी 26 अक्टूबर की रात है, सैटरडे। एंड ये मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड अभी आप लोग मेरा वेपन ग्लोरी लीडर बोर्ड चेक करोगे, तो यहाँ पर मैं 2 गोली शॉटगन में भाई 26,500 स्कोर के साथ डिस्ट्रिक्ट में टॉप 1 पे हूँ, दिल्ली में टॉप 2 पे, इंडिया में बात की जाए तो गाइस टॉप 2% पे हूँ। तो अभी मेरे पास 1 दिन का समय बचा हुआ, यानी कि 24 घंटे का शॉटगन रीजन का टाइटल लेने के लिए, बिकॉज यहाँ पर कल संडे है। मेरे को जितना वेपन ग्लोरी पुश करना मैं कल ही कर पाऊंगा, उसके अगले दिन यहाँ पर मंडे आ जाएगा, तो सबको यहाँ पर वेपन ग्लोरी का टाइटल मिल जाएगा जिस जगह पे भी रहेंगे। आप लोग बोल रहे होगे भाई 31 तक आप लोग वेपन ग्लोरी पुश कर सकते हो। हाँ कर तो सकते हैं, अपन इंडिया में भी आ जाएंगे, लेकिन हमको टाइटल नहीं मिलेगा बिकॉज नेक्स्ट मंडे आते आते यहाँ पर बीआर रैंक का न्यू सीजन आ जाएगा, तो हमको जो भी करना है इसी मंडे तक करना है। तो खैर देखते हैं अपन भाई 1500 तक का पुश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बाकी बढ़ते सीधा गेम में। अब इतना कम टाइम बचा हुआ था एंड मेरे को भाई काफी ज्यादा वेपन ग्लोरी स्कोर भी पुश करना था, इसलिए यहाँ पर मैं एक जोन सर्वाइवर प्लेयर ले खेलता हूँ जो कि यहाँ पर टोकन कलेक्ट करता है। एंड मैं जैसे गेम में मरता हूँ मेरे को फटाफट से रिवाइव दे देता है। तो मैंने यहाँ पर 1v2 लाइक यहाँ पर करेक्टर स्किल ले लिया, बाकी मेरे सामने एक डुओ भी होती है। बाकी देखते हुए एक एनिमी मेरे पर रश कर रहा, तो थोड़ा पीछे चलते हैं तासुया से। एंड भाई इसका एक टीममेट था वो भी रश करने लग जाता है, जिसको मैं बॉडी हेड मार कर नॉक कर देता हूँ। एंड इसके टीममेट को भी यहाँ पर मैं थोड़ा डैमेज देता हूँ, बट मेरी यहाँ पर ग्लूवल खत्म हो जाती है, इसलिए फटाफट एनिमी को क्लियर लेता हूँ जिससे मेरे को ग्लूवल मिलती है। एंड फटाफट अपने आपको पैक करके हील करने लग जाता हूँ। एंड जैसे मेरी यहाँ पर हीलिंग्स कंप्लीट होती है, यहाँ से मैं ग्लूवल को ब्रेक करने लग जाता हूँ। एंड मेरे को यहाँ से भी ग्लूवल से बाहर निकलना था, एंड जैसे ही बाहर आता हूँ थोड़ा तासुया की मदद से पीछे आ जाता हूँ। एंड इस एनिमी के लूट बॉक्स को लूटने लग रहा था, मेरे को इसमें से काफी अच्छी खासी लूट मिल जाती है, बट इसका जो सेकेंड एनिमी था वो पता नहीं इतने में कहाँ पर चला जाता है, मेरे को दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं फुल रोटेशन मार के जाता हूँ। एंड मेरे को फाइनली वो सामने की साइड यहाँ पर स्पॉट हो जाता है, तो मैं उस पर धीरे धीरे आगे रश कर रहा था, बट वो इतने में वेंडिंग पर जाकर अपने टीममेट को रिवाइव दे देता है। जैसे वो सीधे सीधे आ रहा था मैंने उसको भाई हेडशॉट मार के फटाफट क्लियर कर दिया था। अब क्योंकि मैंने किल यहाँ पर हेडशॉट से करा, तो मेरे को फुल वेपन ग्लोरी प्लस मिल जाती है। अब नेक्स्ट गेम में यहाँ पर मैं ब्लू जोन पे उतरा था, बिकॉज ब्लू जोन पे 2 गोली इजीली यहाँ पर मिल जाती है, बट इधर एक एनिमी था जो कि भाई देखो इसका टीममेट भी मेरे को मारने लग गया, तो अंदर की साइड चलते हैं, मेरे को थोड़ा यहाँ पर कवर मिल जाएगा हर साइड से। एंड इधर इसके पीछे आके मैं सोचता हूँ मैडी मारूंगा, बट इसका टीममेट मेरे पे रश कर देता है, तो मैं अपने सामने ग्लूवल लगा के कवर कर लेता हूँ। एंड भाई यहाँ से एनर्जाइजर लगाता हूँ एंड ग्लूवल मेल्टर यहाँ पर डाल देता हूँ जिससे मेरी ग्लूवल हट जाए एंड यहाँ से मैं एस्केप कर पाऊँ। बट इसके दोनों टीममेट भाई देख रहे हो कैसे क्रोनो लगा के भाई बैठा हुआ था यार शॉटगन फेंक के पास, तो मेरे को इनकी डुओ को वाइप आउट करना पड़ेगा जब भी मेरे को शॉटगन मिलेगा यहाँ से। एक को तो मैंने नॉक कर दिया भाई, इसको मैं क्या मार पाऊंगा, चलो देखते हैं। डैमेज है यार काफी हद तक। वेट ओके भाई साहब, टीम वाइप आउट ही कर दिया मैंने सीधा यहाँ पर। एंड इसमें से मेरे को भाई 2 गोली भी मिल चुकी है, बट यहाँ पर इसमें एमो नहीं था। एंड इसके पेटी में भी यहाँ पर शॉटगन के एमो ढूंढता हूँ, नहीं मिलता है, इसलिए फटाफट वेंडिंग से आके थोड़ी एमो परचेस करता हूँ। एंड मैं जैसे ही पीछे आता हूँ यहाँ पर एक और एनिमी मेरे पर रश कर देता है। अब मैं इसको थोड़ा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ M14 से, इतने में तासुया लगाता है, मैं भी तासुया लगाता हूँ, 2 शॉट मारता हूँ और बंदा टीम वाइप आउट ही हो जाती है। यहाँ पर सारे एनिमी फिनिश हो गए थे, इसलिए फटाफट वेंडिंग बजा के हिटलिस्ट यहाँ पर करता हूँ। एंड यहाँ पर मैं जैसे हिटलिस्ट वाले बंदे को मारने जा रहा था, उसको किसी और एनिमी नहीं मार दिया था। बाकी खैर हम लोग भी यहाँ पर प्लाजेरिया जाने वाले, बिकॉज प्लाजेरिया यहाँ पर हमको एनिमी मिल जाते हैं। तो मेरे सामने यहाँ पर भाई लोडिंग व्हीकल भी पड़ी थी, तो इस गाड़ी को उठाता हूँ सीधा प्लाजेरिया की तरफ निकलता हूँ। एंड यहाँ तक आते आते मेरे 5 किल हो गए थे, बट शॉटगन से मेरे को सिर्फ 1 ही किल मिला था। एंड भाई 19 बंदे भी अलाइव है, बाकी सामने एक बंदा जिसको मैं गाड़ी से ठोकता हूँ एंड उतरने के बाद 2 शॉट मारता हूँ, ये बंदा फिर नॉक हो गया, फिनिश हो जाता है। और MP8 गेमिंग नाम था शायद इसका, बाकी इसको तो मैंने नॉक कर दिया, मेरे को पता है इसका टीममेट भी आसपास ही होगा, और जहाँ तक ये वेंडिंग पे अपने टीममेट को रिवाइव देने भी गया होगा। बट मैं इस साइड जैसे ही आता हूँ मेरे को इसका टीममेट तो दिखता नहीं है, तो मैं आर्सेनल लेने आया था, इतने में ये देखो भाई, मतलब भाई क्या खुजली मची थी, मेरे को जाने देता फिर रिवाइव कर लेता, बट ना मुन्ना ना, इसको भी लगता है भाई टीम वाइप आउट ही करनी पड़ेगी इनकी डुओ को भी। बाकी 2 शॉट तो मैंने दिया, 1 और शॉट दिया भाई, मर जा यार, अंबुजा सीमेंट से बना है क्या, बट फाइनली नॉक हो गए, फिनिश हो चुका। बट इसने अपने टीममेट को अगर रिवाइव तो दे दिया भाई, बंदा है तो चला। अब जहाँ तक मेरी बुद्धि कहती है वो बंदा यहाँ पर जो उसका टीममेट है वो रिवाइव होकर यहीं पर आएगा, तो फटाफट गाड़ी लेके इधर चलते हैं, मेरे को जहाँ तक लग रहा है अपने लूट पे उतरेगा। और भाई ये देखो भाई,
भाई लूट पे उतर रहा भाई M14 का, क्या ही हेड देके इसको फिनिश करता हूँ। MP भाई जो भी बंदे का नाम था, टीम वाइप आउट हो चुकी है। इतने मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, इसको फटाफट रिवाइव दे देता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं MP40 क्यों ले रहा हूँ। भाई मेरे यार ऑलरेडी किल्स हो गए हैं यार, तो मेरे को फुल वेपन ग्लोरी प्लस मिल जाते, इसलिए मैं पूरे गेम में MP40 चलाता हूँ बाद में। एंड भाई ये देखो भाई 17 किल हो चुके हैं भाई, लास्ट का बंदा बचा हुआ है, बट मैं इससे मर जाता हूँ बिकॉज इसके पास सोनिया रहता है यार, और ये बंदा मुझे सोनिया बन के मार देता है। तो मैं नेक्स्ट गेम में यहाँ पर ब्लू जोन पे उतरता हूँ। एंड भाई ये देखो जो मेरा बैकअप प्लेयर था रिवाइव करने के लिए, वो सबसे पहले यहाँ पर डाउन दे देता है यहाँ पर। अब लिटरली मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था यहाँ पर बिकॉज मेरे साथ यहाँ पर एक डुबो उतरी थी। एंड मेरे को स्टार्टिंग में यहाँ पर लक के लिए शॉर्ट गन भी मिल जाती है। अब मैं यहाँ पर मरता हूँ तो भाई मेरे को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। बाकी वेट देखते भाई क्या ही होता है। देखो सॉरी भी लिख रहा है, और सामने यहाँ पर एक बंदा मेरे को स्पॉट हुआ नीचे साइड, इसको डैमेज दिया मैंने, और भाई इसको नॉक तो कर दिया। इसका एक और टीममेट है, बाकी रस करने का सही समय है, उसको भी थोड़ा डैमेज लगा है। और भाई मैं जैसे शॉटगन से रस करता हूँ भाई, इसका दूसरा टीममेट तो तासुए लगा के ऐसे निकल लेता है। बट इसको मैं फटाफट से क्लियर कर देता हूँ। एंड मेरे पास यहाँ पर 200 कॉइंस भी आ चुके हैं, एंड वो बंदा तो पीछे जा चुका, तो मैं सोचता हूँ फटाफट अपने टीममेट को रिवाइव दे देते। मैं फटाफट टोकन लेता हूँ, उसके बाद वेंडिंग बजा के इसको रिवाइव दे देता। अब ये तो रिवाइव हो चुका था, बट इसका जो एनिमी का टीममेट था वो भी मेरे पे रस कर रहा था। और भाई ये देखो 2 शॉट मारता हूँ भाई, क्लियर ही हो जाता है, टीम वाइप आउट सीधा। उसके बाद मैं मेरा टीममेट यहाँ पर फैक्ट्री पे लूट वूट करते, एंड उसके बाद सीधा मैं पोचिनो को आ जाता हूँ। एंड पोचिनो के इस रिवाइविंग वाले घर में भाई 2 एनिमी होते, जिसमें से एक को मैं डाउन करके क्लियर करता हूँ। बट इसके टीममेट ने मेरे को काफी ज्यादा डैमेज दे दिया था, काफी लो HP कर दी। बट मैं ऊपर यहाँ पर आके यहाँ पर अपने आपको हील करता हूँ। एंड हील करने के बाद यहाँ पर जैसे नीचे जा रहा था, इसका टीममेट भाई भाग रहा था भाई, एस्केप करने के सोच रहा था। बट मैं तासुया लगाता हूँ, 2 शॉट मारता हूँ, एंड भाई ये भी टीम वाइप आउट। बट कितनी टीम वाइप आउट करूंगा यार अगले गेम में, भाई मेरे को ही वाइप आउट करे जा रहे हैं पूरे लॉबी में से। 2 किल हुए अभी तक भाई, शॉटगन मिली नहीं मेरे को। एंड रिवाइव होके मैं जैसे यहाँ पर आता हूँ क्लॉक टावर पे, भाई ये देखो मैं वॉर चेस्ट पे जाता हूँ, यहाँ पर किसी एनिमी ने इतनी सारी लूट छोड़ रखी है ना भाई, मेरे तो यहाँ पर काम बन जाता है। मैं जैसे ही बैग ओपन करके लूटता हूँ, मेरे को यहाँ से शॉटगन भी मिल जाती है लक के लिए। मतलब मैं तो सोच रहा था भाई लास्ट गेम है ये मेरा, एंड मेरे को ये गेम में ग्लोरी नहीं मिलेगी, बट भाई लास्ट गेम में भी मेरे को शॉटगन मिल चुकी है। अब जैसे तैसे ग्लोरी तो मिलेगी भाई, भगवान भी चाहता है भाई अपन इंडिया पे तो आ ही जाए टॉप 100 में। बाकी देखते हैं गाइस यहाँ पर हम लोग। एंड थोड़ी मोड़ी लूट वूट जैसे मैं कर रहा था, काफ़ी बंदे कम हो गए थे, मेरे को यहाँ से 2 से 3 किल भी निकालने थे। एंड एक बंदा भी जस्ट रिवाइव हुआ यार। बाकी इधर आते हैं, मेरे को जहाँ तक लगता है इधर बंदे अभी फाइट हो रहा था। और ये देखो भाई सामने जो छोटे वाले घर है ना, उसमें यहाँ पर बंदा जो कि भी बाहर निकल के जा रहा है, बाकी ड्रैग मारते भाई मिस हो गया यार, काफ़ी अच्छा खासा शॉट होता है यहाँ पर ये। बट इस पर अपन रश करेंगे, बाकी वेट यहाँ पर एक और टीममेट है ऊपर ही इसका, एंड रश कर रहा है, डैमेज 1 शॉट पड़ा इसको। हम भी तासुया के साथ जाएंगे, 2 शॉट और मार दिया मैंने यहाँ पर। एंड ग्लूवल से पैक करने की सोच रहा था, बट भाई इसको मैंने क्या ही तो नॉक कर दिया, एंड फिनिश भी कर दिया। एंड लूट ही रहा था, इसका टीममेट भाई जो नीचे कूदा था वो भी ऊपर आ जाता है, बट भाई इसको भी जंप करके लिटरली क्या ही तो OP लेवल का हेडशॉट पड़ जाता है गाइस, OP तो बनता है। एंड भाई वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड जोन भी आ रहा था, हमको जोन जाना था, एंड जो हवेली में बंदे बैठे हुए भाई वो तो जोन में नहीं आने दे रहे, तो फटाफट मैडी वेडी लगा के जैसे तैसे करके नीचे जाता हूँ। एंड मेरे को यहाँ पर भाई दिखता है कि मेरे पास यहाँ पर मिनी लॉन्च पैड आ चुका है एनिमी के लूट से, तो मिनी लॉन्च पैड लगा के अपने टीममेट के पास आ जाता हूँ। तो यहाँ पर अभी लास्ट एक ही डुओ बचा हुआ है, एंड मेरे को लग रहा है ये लोग भी अलग अलग है। बाकी सामने तासुया से रस करते हैं, एंड भाई M10 लेके बैठा हुआ भाई, अभी मेरे दिल गुड़ते फेफड़े मेरे हाथ में आ गए थे भाई। बाकी इस पर रस करते हैं, एंड भाई 2 शॉट मारा है, मर नहीं रहा भाई, कितना HP है इसकी। बाकी चलो भाई और मारते हैं, बाकी भाई एक भी शॉट कनेक्ट नहीं हो रहा, ये तो भाई बाहर जा चुका है। एंड जोन भी आ रहा, तो हम भी फटाफट चलते हैं। एंड एक बंदा एलिमिनेट हो चुका है, जस्ट अभी आखिरी का ही बंदा बचा हुआ है, जिसको मैं डैमेज देता हूँ और डैमेज देता हूँ, बट ये बंदा मरने का नाम ही नहीं ले रहा भाई, लिटरली कितना मारूँ भाई, अंबुजा सीमेंट से बना था। बट फाइनली लास्ट में 2 शॉट मारता हूँ जंप करके, एंड इस बंदे को मारने के बाद हो जाता है हमारा बुया बुया बुया। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो मजा आया होगा। बाकी वीडियो मजा आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना। एंड अभी हम लोग टाइम देखने वाले, तो 2:13 हो रहे नाउ, अभी हम लोग वेपन ग्लोरी लीडर बोर्ड में जाके स्कोर चेक करने वाले, एंड हम लोग कौन सी पोजीशन तक आए वो भी देखने वाले। तो फटाफट लीडर बोर्ड में चलते हैं यहाँ पर, एंड देख सकते हो भाई 27,916 स्कोर के साथ, ओ भाई साहब भाई टॉप 100 में हम लोग आ चुके हैं गाइस। तो जो बंदे यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, एक बार रीजन OP भाई OP कमेंट कर देना सारे बंदे। एंड शाम रात का भी समय बचा हुआ थोड़ा, स्कोर अपन और आगे तक लेके जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बाय।